ये मशीन सिंगल फेज है तो आप इसे घरेलू लाइट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा तेल निकलने के बाद यहाँ पर एक ब्रेक दिया है जिसे दबाकर आप मशीन स्टॉप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल चुका है। अब ऐसा भी नहीं कि इसे पूरा ड्राई करना है, क्योंकि पूरा ड्राई करेंगे तो इसमें मसाला नहीं लगेगा। तो हल्का फुल्का तेल की नमी होनी चाहिए ताकि मसाला अच्छे से लग जाएगा, और मसाला अच्छे से लगेगा तो ही खाने में टेस्ट अच्छा आएगा। तो ये बिजनेस करने के लिए सबसे पहले दोस्तों रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, जिसके कुछ सैंपल्स अभी आप देख रहे हैं। इसमें आपको कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कटोरी, चाउमीन, पास्ता, मोटू पतलू, एबीसीडी, जंगल खानी आदि। ये सभी कच्चा मटेरियल रहता है जो कि आसानी से मार्केट में मिलता है, और किसी को नहीं भी मिलता हो आप कंपनी से जुड़ने के बाद इनसे भी ये ले सकते हैं। तो इतने सारे मल्टीपल ऑप्शन का मतलब आप इतने सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ इसी एक सेटअप में। तो प्रोडक्शन करने के लिए इस रॉ मटेरियल को हमें फ्राई करना पड़ेगा, और इसके लिए इस फ्रायर मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नीचे ऑयल डाला जाता है और गैस की मदद से इसे फ्राई किया जाता है। तो अभी हम इसमें पहला बैच निकाल के दिखाते हैं। दोस्तों ये चाउमीन है, तो सैंपल के तौर पे इसे हम फ्राई करके दिखाएंगे। ये एक बैच में हमारा 2.5 किलो इस फ्रायर में आराम से आ जाता है। बात की जाए इसे फ्राई करने की, तो इसे फ्राई होने में मैक्सिमम 1 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि डालने के बाद एक बार इसे चलाना पड़ेगा, और चलाने के बाद ये अपने आप ही फूलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए जैसे हम चलाएंगे तो अपने आप ही फूलना शुरू हो जाएगा। तो विद इन अ मिनट ये फ्राई हो जाएगा, और साथ ही साथ बेहद ही बढ़िया क्वालिटी भी आपको मिलने वाली है। तो जितना अच्छा आप कच्चा माल या फिर कच्चा सैंपल लोगे, उतना ही अच्छा और बेहतरीन प्रोडक्ट आपको मिलेगा। अभी जो आप देख पा रहे हो ये फ्राई हो चुका है। इसका सीधा एक ही प्रोसेस होता है कि फ्राई होने के बाद इसे हैंडल की मदद से उठाया जाता है, और जो भी ऑयल था वो नीचे रह जाएगा, और सारा माल आगे दिए गए ट्रे में निकाल लेना है। अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वालिटी कितनी जेन्युइन बनी है। तो चलिए और एक सैंपल फ्राई करके देखते हैं। दोस्तों इसे कटोरी बोलते हैं। अब कटोरी हम 2.5 किलो डालेंगे, और ये डालने के बाद एक बार इसे सेम वे में चलाना पड़ता है। अब यहाँ पर इसे हम चला कर दिखाते हैं। जैसे इसे चलाएंगे तो अपने आप ये फुलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों बात की जाए इस फ्रायर की, तो इस फ्रायर की खासियत यही है कि ये गैस पे चलता है, और इससे प्रोडक्शन निकालने के लिए कोई एक्सपर्ट कारागिर या फिर हलवाई की जरूरत नहीं पड़ती, और ना ही एक्स्ट्रा ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। कोई भी व्यक्ति आसानी से इसे फ्राई कर सकता है। अभी आप देख सकते हैं फ्राई होने के बाद ये पूरा भर गया है, और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो जो एक्स्ट्रा तेल है वो यहाँ पर नीचे झड़ जाता है, और नीचे ये प्योर तेल रह जाता है, और आगे की ओर से इस ट्रे के अंदर एक ही बार में सारा का सारा माल निकल कर बाहर आ जाता है। ये गैस फ्रायर आप लगाते हो तो आपको फायदा ये होता है कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी काफी बढ़िया मिलती है, और प्लस ये पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनी है जिसकी लाइफ ज्यादा रहती है, और कोई भी फूड इंस्पेक्शन में ये मशीन फेल नहीं होगी। तो इससे आपको बेहतरीन क्वालिटी भी मिलेगी और मेहनत भी बचेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो जैसे अभी हमने माल का सैंपल फ्राई किया है, तो फ्राई करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें नमी आई है, और जो एक्स्ट्रा तेल है ये देखिए हाथ को भी लग रहा है। तो अभी इसमें से पूरा ऑयल निकालना पड़ता है, और उसके लिए जो मशीन आती है ये वो ऑयल ड्रायर मशीन है। इसमें फ्राई किया हुआ एक बैच डाल देंगे और ये मशीन माल में से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल देगी। यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं कि जो माल फ्राई किया था उसे इसमें डाल दिया है। अभी थोड़ा ही माल डेमो के लिए डाला है। मशीन स्टार्ट करने के बाद इस तरीके से ये घूमना चालू हो जाता है, और इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा तेल है वो यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा। ये मशीन सिंगल फेज है तो आप इसे घरेलू लाइट से भी ऑपरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स्ट्रा तेल निकलने के बाद यहाँ पर एक ब्रेक दिया है जिसे दबाकर आप मशीन स्टॉप कर सकते हैं। अभी यहाँ पर जो एक्स्ट्रा तेल है वो निकल चुका है। अब ऐसा भी नहीं कि इसे पूरा ड्राई करना है, क्योंकि पूरा ड्राई करेंगे तो इसमें मसाला नहीं लगेगा। तो हल्का फुल्का तेल की नमी होनी चाहिए ताकि मसाला अच्छे से लग जाएगा, और मसाला अच्छे से लगेगा तो ही खाने में टेस्ट अच्छा आएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। अब बारी आती है इसके फ्लेवरिंग की। अब आप जो भी फ्लेवर का मसाला लगाना चाहते हैं, चाहे वो खट्टा मीठा हो, स्पाइसी हो, टमाटो हो, चीज हो गया, तो कोई भी फ्लेवर का मसाला आप लगा सकते हैं। तो मशीन स्टार्ट करनी है, और छन्नी की मदद से ऊपर से
कुछ इस तरीके से मसाले छिड़कते जाना है। इसमें एक बार में 5 केजी का बैच बनता है। और दोस्तों, फ्लेवरिंग करते समय मसालों का मेजरमेंट करना बेहद ही जरूरी है। हर बैच के लिए हर बार आपको नाप तोल के मसाला डालना होगा, ताकि आपकी हर बार हर बैच में सेम टेस्ट सेम क्वालिटी बने। क्योंकि क्वालिटी और टेस्ट जितनी अच्छी रहेगी उतना ही सेल बढ़ेगा। का पूरा मेजरमेंट गाइड कंपनी थ्रू आपको मिल जाएगा। फ्लेवरिंग मशीन में बैच डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसे घुमाना पड़ता है, ताकि मसाले सभी साइड से अच्छे से लग जाए। बात की जाए इस फ्लेवरिंग मशीन की, तो इसमें रिवर्स फॉरवर्ड सिस्टम दिया गया है, तो आप इसे दोनों तरफ से चला सकते हैं और इससे मसाला एक समान सभी को लग जाता है। तो अभी आप देख सकते हैं मसाला लगकर एकदम से रेडी हो गए, और अब ये प्रोडक्ट खाने के लिए बिल्कुल रेडी है और क्वालिटी आपको गजब की मिलने वाली है। आप चाहो तो इसे लूज में भी सेल कर सकते हो, या फिर पैकिंग करके खुद का ब्रांड बनाकर भी इसे सेल कर सकते हैं। तो पैकिंग करने के लिए इस ऑटोमेटिक पाउच पैकिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर दिए गए हॉपर में माल को डालना है जो भी आपका प्रोडक्ट रेडी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटोरी को हॉपर में डाला जा रहा है। बात की जाए हॉपर की, तो इसमें आप एक समय में 3 से 4 किलो माल डाल सकते हैं। अगर आपको ग्रैन्यूल आइटम पैक करना हो, जैसे चावल दाल, वो आप 30 से 35 केजी भी आप इसमें डाल सकते हैं। अब जैसे ही मशीन चालू करेंगे, तो इसमें जो वाइब्रेशन सिस्टम दिया गया है उसकी मदद से प्रोडक्ट आगे बढ़ना चालू हो जाएगा। वाइब्रेशन का फायदा ये होता है कि माल अटकता नहीं और वेट एक्यूरेसी एकदम परफेक्ट मिलती है। और जैसे ही ये भर जाता है तो ऑटोमेटिक ये रुक जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मशीन में ये कटोरियाँ लगती है जो कि ऑटोमेटिक वेट करती है। तो जितने ग्राम का पाउच बनाना है उतना माल कटोरी के अंदर जाएगा और ऑटोमेटिक पाउच बनना शुरू हो जाएगा। वाइब्रेशन शुरू करने के बाद कंप्रेसर चालू कर देना है और यहाँ से मशीन ऑन करते ही पाउच बनना शुरू हो जाएगा। अब आपको जितने की लड़ी बनानी है, चाहे 5 की हो गई, 10 की हो गई, 20 की हो गई, या फिर सिंगल पाउच हो गए, आप बना सकते हैं। बस उस हिसाब से आपको मशीन में प्रोग्राम सेट कर देना है। ऊपर यहाँ कोडिंग मशीन लगी है, जिससे आप पैकेट पर डेट, MRP वगैरह प्रिंट कर सकते हैं। ये डेमो पर्पस है, तो कोडिंग मशीन ऑन नहीं की है। और जब आप प्रॉपर पैकिंग करना स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक प्रिंट होकर निकल जाएगा। अभी आप पैकिंग की क्वालिटी देख सकते हैं। एक पैकेट हम खोलकर अभी आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें माल प्रॉपर भरकर आया है। अब बात की जाए पैकिंग की, तो ये मशीन 1 मिनट में करीब 25 से 30 पाउच बना के रेडी कर देती है। तो अगर आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, तो कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पे दिया है और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। आप एक बार जरूर कॉल कीजिए।